जो है वो हमारा यहीं तक था। तो आप बताइए आपको कौन पसंद है, बेटी या बेटा? भाई मेरी चॉइस बेटी है, अब आपकी भाभी की चॉइस बेटा है, तो आप सब बताइए कि होना क्या चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं तो फिट फाट हूँ, आप फिट फाट नहीं लग रही हो मुझे। तो 10 बजे से उठा के बिठा दिया तुमने मुझे वीडियो। सलाम करने की आरजू है। सलाम भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। तुम तो बेचारे रोज मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक कर रहा हूँ, उड़ा भी नहीं। तो गाइज आज की हमारी वीडियो जो है वो है कि नेहा को बेटी चाहिए या बेटा, और मुझे क्या चाहिए। हाँ आपको भी पहले क्या चाहिए, पहले इनसे क्यों पूछेंगे? नहीं लेडीज फर्स्ट। नहीं, ये बहुत तेज है, ये मेरे जवाब देख के कॉपी कर लेंगे। आज का टॉपिक हमारा है, पहले तो आपको ये बता दूं कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट मंथ के अंदर जो है बंदा नहीं निकलता। तो लास्ट मंथ चल रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, तो इसलिए आउटिंग पे कहीं लेके नहीं जा रहा। आप लोग वो सोचते होंगे घर में बैठे बैठे हमें बोर कर दिया, तो इंशाल्लाह हम जैसे ही फ्री हो जाए फिर हम आपको घूमते फिरते ही नजर आएंगे। तो इस वजह से भी नहीं निकलते ना हम, दो मिसकैरेज भी तो हुआ है, इसलिए ख्याल है। दो मरतबा मिसकैरेज हो चुके हैं, इस वजह से भी हम नहीं निकलते, अब ज़्यादा एहतियात करते हैं। ये वजह है कि हम घर में बैठ के ही वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर अभी फ़िलहाल। इंशाल्लाह बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत जल्द जो है हम आपको इधर से उधर भटकते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी भाभी से। नहीं, नहीं 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 क्या नहीं नहीं, नहीं आप बताओगे पहले, मैंने पहले बोला था। नहीं भाई तुम कॉपी करोगी। अच्छा मैं बता दूं फिर, तुम्हें नहीं बोलना वो सेम, इसमें एक भी वर्ड नहीं बोला। और अगर सेम ही हुआ तो फिर तुम कॉपी करोगी। तो गाइस हमें जो है बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वैसे तो अल्लाह पाक हमें जो भी दे सेहतिया भी तंदुरुस्ती दे, और बहुत अच्छा क्यूट सा मासूम सा भोला भाला सा प्यारा प्यारा सा दे जो भी दे, तो जिसमें अल्लाह की मर्जी नहीं हो वही अल्लाह पाक हमें अता करे, बस सेहतियाबी और तंदुरुस्ती से दे और नजरें बद से महफूज रखे। आमीन आमीन भी नहीं निकलता। क्यों, मैंने तो बोला। अच्छा तो अब ये बताएं आप, क्या आपने बताया? क्या मैंने बता दिया जो मेरे को बताना था? क्या क्यूट से क्या मतलब, हमारे जैसा आए जो भी आए, अब आप बताइए चाहिए क्या। देखा जो भी है आ गई ना, वही बात मैं यही बोल रही थी, मैं यही बोल नहीं, वैसे ऑनेस्टली मैं आपसे शेयर करूं, ऑनेस्टली जो मेरी फीलिंग्स है, फीलिंग्स की बात कर रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है बेटियां अच्छी लगती है, जो पसंद भी है, प्यार भी देती हैं बहुत, बाप को ख़ास कर बहुत माँ बाप का एहसास करती हैं। तो मेरी पर्सनली जो ख्वाहिश है ना घर के अंदर सबसे बड़ी जो है वो सबसे पहले बेटा होना चाहिए, सबसे बड़े में औलादों के अंदर, उसके बाद फिर मसला नहीं है, कोई 15-20 बेटियां हो जाए मैं बहुत बहुत सुकून और खुश रहूँगा। बेटा एक बड़ा होना चाहिए ना घर में, जो एक मर्द बाप के बाद हो ना वो मर्द होना चाहिए, जिसका बाप के गुजर जाने के बाद एक अपना भरम हो, जिम्मेदारियाँ हर चीज़ को वो पिक कर लेता है। अगर बहनें पहले हो तो वो बेशक बेटियाँ भी कर लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिर एक होता है
कि इंसान का ज़मीर और गैरत जो है अपनी वो गवारा नहीं करती कि यार मेरी जवान बच्ची रोड पे क्यों निकले। कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो एक्स वाई जेड किसी भी हवाले से, इसलिए ये नामुनासिब लगता है कि हमारे घर की बच्चियाँ जो है वो रोड पर निकलें, किसी के पास जॉब करने जाए या कुछ भी कर रही हो, ये चीज़ नहीं पसंद। इसलिए सबसे बड़ा होना चाहिए बेटा, उसके बाद अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि बेटा दे दे, उसके बाद जो है वो माशाल्लाह 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 20-25 बेटियां हो जाए, ताकि मेरे घर के अंदर समझो 20 से डिवाइड कर दो, अगर सबके दो दो बच्चे भी होंगे तो 40 नवासे नवासे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बच्चे घर कम चिड़ियाघर ज़्यादा लगेगा, ऐसा ही ना। तो ये तो मेरी राय थी और ये मेरा अपनी पर्सनली फीलिंग्स थी। इसमें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बेटियाँ पसंद है, बेटियाँ पसंद है, बेटियाँ पसंद है बेटों से ज़्यादा, मगर एक घर के माहौल के हिसाब से, घर को साथ लेके चलने के हिसाब से, बहुत आगे की सोच के हिसाब से कह रहा हूँ कि घर में एक बड़ा बेटा होना चाहिए, उसके बाद बहनें होनी चाहिए छोटी, उससे और सारी होनी चाहिए, फिर बहने ही बहने होनी चाहिए, फिर बेटे नहीं चाहिए मुझे, पर बेटा एक ही हो बस। तो ये थी मेरी पर्सनल राय। अब पूछते हैं आपकी भाभी से। आवाज निकाल के बोलो। सेम ही है। क्या सेम ही? देखा आ गई ना यही बात। नहीं, क्या बोला था मैंने? यही बोलती मैं तो, पहले बोल लेती भाई, आपका सुनना था ना। लो भाई, लो। मेरा खुद फर्स्ट टाइम सुन ली थी। तो ये अब आपकी भाभी जो है वो अपनी राय देंगी कि भाई इनको क्या चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, क्या चाहिए? मुझे तो दोनों ही पसंद है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है। अच्छा, क्यों? दोनों ही अच्छे लगते हैं। कोई एक चॉइस बताओ, कोई एक। दोनों। कोई एक बताओ। मैंने भी यही बोला, मुझे वैसे पसंद तो दोनों ही, जो अल्लाह दे सेहतियाबी तंदुरुस्ती से दे, अच्छे तो दोनों ही है, अल्लाह की एक नेमत है एक रहमत है। पर्सनली अपने दिल की फीलिंग्स क्या है वो शेयर करो। मुझे तो मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत सी बहुत बेटे ही अच्छे लगते हैं मुझे। बेटे अच्छे लगते हैं भाई, बेटियाँ भी अच्छी लगती है मगर बेटे अच्छे। सच बात थी जो बोल रही। नहीं नहीं, बेटियाँ बहुत प्यारी होती है, बेटों से ज्यादा मुझे तो बेटे अच्छे, बेटियाँ अच्छी लगती है। देखा, बेटों से ज्यादा दिल में बेटियाँ अच्छी लगती है। नहीं, जो हकीकत है, हकीकत बेटियाँ जो होती है ना, बेटियाँ बस बेटियाँ बेटियाँ होती है, बेटियाँ जैसा बेटे नहीं हो सकते। पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है, ज़िंदगी गुजार दी इतनी, तो उम्र से ज़्यादा जो है ना बहुत कुछ सीखा है, तो इसलिए पर्सनली जो है वो बेटियाँ बेटियाँ होती है बस। बेटियाँ क्या, बेटे क्यों नहीं हो सकते? बेटे भी हो सकते हैं, अपनी अपनी तरबियत के ऊपर बात होती है, बस एक दिल में ख्वाहिश है कि बेटियाँ ज़्यादा हो, घर हरा भरा रहता है, माहौल वो ऐसा लगता है जैसे बस नहीं होंगी चले जाएंगी तो फिर दिल नहीं लगेगा। बेटे तो पास ही होते ना, वो कहाँ जाएंगे, वो जान पर ही लटके रहेंगे। वो कहीं नहीं जाएंगे, उल्टा सर में दर्द करेंगे। हाँ ना, सर में दर्द क्यों करेंगे भाई? सर में दर्द करेंगे, हम भी तो बेटे हैं ना, हमने भी करा है, जब भी बोलो बेटियां करती थी सुनने में भी भाई। इसने भी अपने अम्मा पापा के सर में दर्द, इसने अब तक कर, अब किया है क्या मतलब है, अब तक कर रही है, अब तक सर में दर्द करती है। जिस दिन ये जाती है ससुराल में, उस दिन रात को मैं जब इसको लेने जाता हूँ तो मेरी सासू माँ ऐसे सर यूँ रख के यूँ बैठी हुई। ये कैमरा जो है वो टिक नहीं रहा, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? नहीं, कोई सेटबैक नहीं कर रहे। आज का व्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक था। तो आप बताइए आपको कौन पसंद है, बेटी या बेटा? भाई मेरी चॉइस बेटी है, अब आपकी भाभी की चॉइस बेटा है,
तो आप सब बताइए कि होना क्या चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करके बहुत बहुत शुक्रिया के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके भाई को आप सबके प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।